जब रसूल हुए तो इस्लाम को मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना गया, इसी इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के नाम से, कभी उमर फारूक के नाम से, उस्मान गनी के नाम से, और जब खारजियों ने जोर लगाया तो इसी इस्लाम को अली के नाम से, यजीदियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को हुसैन के नाम से, मामूनियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से, और मुगलों की बदअकीदगी से बचने के लिए इसी इस्लाम को मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी के नाम से पहचाना गया। और आज के ये सऊदी सलफी वहाबी आतंकवादियों को पहचानने के लिए अब इस्लाम को इमाम अहमद रज़ा के नाम से प...